आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। दो दिन के अंदर पूरा जून का भी करंट अफेयर जो है वो मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। आज ही 1 से 5 जून तक आज देखेंगे और 6 से 10 जून तक का करंट अफेयर भी आज ही देखेंगे शाम को 7 बजे। और एक बात याद रखिएगा आप सभी, आपका जो भी मेहनत है ना उसको थोड़ा सा भी कम मत होने देना। आपको जो इंसान जो भी बोल रहा है कहने दो, इग्नोर करो। इसका भगवान दो कान किस लिए दिए? सुनने के लिए। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। बस समय का इंतजार करो भाई, समय समय की बात है। वक्त सबका आता है, आपका भी समय आएगा। अब मान लो आप यहां पर खड़े, ये समय कभी रुकता नहीं है, समय चलता रहता है भाई। और समय चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ये आपका समय, ये आपका समय इंतजार कर रहा है आपको गले लगाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, जब आपका समय आएगा ना तो समय आपको गले तभी लगाएगा जब इस समय के रास्ते में आपका मेहनत थोड़ा सा भी कम ना हो, ठीक है। और एक बात, दो दिन में पूरा करेंट अफेयर पूरा कवर करवा दूंगा मैं। उसके बाद मैथ, रीजनिंग, जीके और करेंट अफेयर पूरा टाइम पर टाइम आपका क्लास चलेगा। और ये क्लास आपने करेंट अफेयर बहुत जगह से पढ़ भी लिया होगा तो मैं बराबर बोलता हूं कम से कम ना एक बार आप रिवीजन कर लो कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं। और इसका सारा पीडीएफ कहां मिलेगा? तो क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको बता देता हूं कि पीडीएफ आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत बड़ा नाम, जो फोटो आपको दिख रहा है जिस इंसान का ना, इस इंसान जो, ये इंसान जो भी किताब लिखता है इसका एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। सलमान रुशिद नाम है, इतना बड़ा नाम है। इन्होंने एक किताब और लिखा है, पुस्तक, क्या नाम है? लैंग्वेज ऑफ ट्रथ, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, ऐसे 3-20 ये किताब लिखा गया, यही किताब है, देख लो, यही किताब लिखा गया है सलमान रुशिद के द्वारा। और इनके ऊपर किताब का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और दोबारा बनेगा। एग्जाम में पूछे लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020 किताब किसके द्वारा लिखा गया है? क्या बोलिएगा? सलमान रुशिद के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए, देखो ये चीज प्रदान करने के लिए उड़ान योजना के तहत सैनिटरी पैड जो है वो दिया जाएगा महिलाओं को। किस स्कीम के तहत? उड़ान स्कीम। किस राज्य का है? पंजाब का, ठीक। उड़ान स्कीम के तहत सैनिटरी पैड दिया जाएगा पंजाब राज्य सरकार के द्वारा, जहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, चंडीगढ़ राजधानी है, बीपी सिंह बदनोरे यहां के राज्यपाल, रविशंकर झा चीफ जस्टिस, 13 लोकसभा, 7 राज्यसभा सीट है पंजाब में। यह चीज तो आपको दो दिन में पूरा याद करवा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देखो मूडीज, मैं बराबर बोलता हूं भाई, ये जो मूडीज है, केयर रेटिंग है, आरबीआई है या फिर वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एशियाई विकास बैंक है, इन लोगों के द्वारा जो अनुमान लगाया जाता है ना जीडीपी को लेकर, कम से कम वो आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अधिकांश बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और फिर पूछा जाएगा। तो जो मूडीज एजेंसी है इन्होंने बोला है वित्त वर्ष 2022 में जो भारत का जीडीपी विकास दर रहने वाला है वो 9.3% रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ये कौन है भाई? भैया आधार पूना वाला जो दवाई बन रहा है ना, कोवैक्सीन, हाँ कोवैक्सीन बन रहा है, क्या कोवैक्सीन? कोविशील्ड, कोविशील्ड कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट, उसी के सीईओ है। आपको पता है ना कोविशील्ड भारत का दवाई नहीं है, ये कोवैक्सीन जो है ना वो भारत का दवाई है। वो कौन बना रहा है? भारत बायोटेक बना रहा है। लेकिन कोविशील्ड कौन बना रहा है? तो कोविशील्ड दवाई कहां का है भैया? कोविशील्ड ना इंग्लैंड का दवाई है, उसका पूरा जिम्मा, उसका पूरा खेप का खेप, डोज का डोज बनाने का जिम्मा किसको मिला है? आधार पुणे वाले की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट को मिला है। अब क्या हुआ क्वेश्चन में, क्या मिला है? पहले आप ये देखो, ये जो आधार पुणे वाला है इसको किस कंपनी का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया है? तो आपका मगमा फिनक्रॉप का, ऑप्शन नंबर डी। तो आधार पुणे वाला सीरम इंस्टीट्यूट वाले जो कोविशील्ड की निर्माण कर रहे हैं वो उनको मगमा फिनक्रॉप का भी क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। अच्छा मगमा फिनक्रॉप के सीईओ कौन है? विजय देसवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, देखो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जेबी मोहापात्रा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर क्या बोल रहा है, कौन सा बैंक है ना जो एसके मजुमदार,
एसके मजूमदार को सीएफओ, सीएफओ क्या होता है भैया, मुख्य वित्त अधिकारी ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अच्छा नियुक्त किया गया है। अच्छा कौन सा बैंक है जो एसके मजूमदार को सीएफओ बनाया है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो आपका कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा कैनरा बैंक का गठन कब हुआ है, इसका हेड कौन है, इसका मुख्यालय कहां पर है, इस बैंक का टैगलाइन क्या है, ये आपको पता है नहीं पता है भैया? कल से मैं तीसरी बार करवा रहा हूं ये कैनरा बैंक के बारे में, आप एकदम ध्यान से पढ़ो। कैनरा बैंक का चेयरपर्सन कौन है, टीएन मनोरन, उसके बाद हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और लिंगम वेंकट प्रभाकर सीईओ है इस बैंक का, ठीक है। और टैगलाइन क्या है, हम एक साथ कर सकते हैं, टुगेदर वी कैन। 1 जुलाई 1906 को कैनरा बैंक का गठन किया गया था, कब किया गया था, 1 जुलाई 1906 को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, देखो बड़ा ऐसा कोई शायद कोई होगा जिसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, बहुत चर्चा में था विषय। ममता बनर्जी ने क्या किया था, देखो यहां पर क्या बोला, सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे कार्यभार संभाला, अल्पन, अल्पन बंदोपाध्याय। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मोदी जी ममता जी के बीच में क्या हुआ, कितना लड़ाई था केंद्र और राज्य के बीच में, क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अल्पन बंदोपाध्याय को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, याद रखिएगा क्या बोला है भाई क्वेश्चन में आप सभी का, निम्नलिखित में से किसने, निम्नलिखित में से किसने एडमिरल अधीक्षक नौसेना विशाखापट्टनम रूप में शपथ ली है। भाई विशाखापट्टनम डॉक यार्ड में किसको हेड बनाया गया है, तो याद रखिएगा आईबी उथाई को। ये तो याद हो गया भैया, नौसेना के बारे में था, तो विशाखापट्टनम डॉक यार्ड में हेड किसे बनाया गया है, आईबी उथाई को, ये तो पता चल गया भैया। भैया नौसेना दिवस कब मनाते हैं, एकदम क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार बना है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है था आपका इंडियन नेवी डे, ठीक है, कब, 4 दिसंबर को। भैया इंडियन, एको भैया उड़ता भी है जहाज, हाँ इंडियन एयरफोर्स, वो कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे, वायुसेना दिवस, ठीक है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। अच्छा एक बात बताइए, इंडियन नेवी का चीफ कौन है, करमबीर सिंह भैया, क्या नाम है, करमबीर सिंह जो है वो इंडियन नेवी के चीफ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। आपको पता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दूध का किस कंट्री में होता है विश्व में, किस देश पर, इंडिया 1 नंबर पर है। एक समय था अर्जेंटीना 1 नंबर पर हुआ करता था दूध के मामले में, अभी सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन भारत में होता है, और भारत के किस राज्य में, तो अपना उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, इस लेखक ने 2021 का डबलिन साहित्य पुरस्कार जीता है, तो यह क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, ये जो किताब है ना, इस किताब के लिए इस देवी जी को यह अवार्ड मिला है, कौन सा, और 2021 डबलिन साहित्य पुरस्कार, जिनका नाम क्या था मैंने कल आपको बताया था, इनका नाम क्या है, वैलेरिया लुसिल, ऑप्शन नंबर सी। और ये कहां की रहने वाली है, ये भी मैंने कल बताया था, ये मैक्सिको की रहने वाली है, कहां की रहने वाली है, मैक्सिको की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त अरब इमारात, ठीक है, यूएई, देखो किस बॉलीवुड अभिनेता को, कौन से अभिनेता को गोल्डन वीजा दिया गया है, कौन से अभिनेता को, तो भैया आंसर तो दिख रहा है यहां पर, संजू बाबा संजय दत्त जी हैं, ठीक है, हम भी दिख रहा है क्वेश्चन। अब देखो ये गोल्डन वीजा क्या होता है, गोल्डन वीजा ऐसा है, आज तक किसी बॉलीवुड नेता को, किसी बॉलीवुड अभिनेता को नहीं दिया गया, पहला गोल्डन वीजा दिया गया है यूएई के द्वारा संजय दत्त जी को, क्यों दिया गया है भैया बताते हैं। देखो ये गोल्डन वीजा क्या होता है, 10 साल तक बिना किसी परमिशन का, बिना कोई एक्स्ट्रा वीजा का आप उस देश में रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं 10 साल तक, ठीक है। तो ये है गोल्डन वीजा, ये किसको दिया गया, संजय दत्त को दिया गया है।
यूएई का राजधानी अबू धाबी है। यूनाइटेड अरब इमीरात धीरम याद रखिएगा मुद्रा इस्तेमाल करते हैं, खलीफा बिन जयाद अल नयान, काफी बार बताए हैं ये नाम, यहां के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, एक किताब है, उस किताब के लिए ना दो लोगों को पुरस्कार दिया गया है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 का किसको दिया गया है, और एग्जाम में यह भी पूछ देगा किस किताब के लिए दिया गया है, तो आप बोलेंगे भैया हमको पता नहीं, क्वेश्चन बड़ा टफ आ गया, तो हम बोलेंगे आपको हम बताए थे कि इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, एक तो आपका नाम नहीं दिया गया क्या, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा यहां पर नाम तो दिया ही गया है, क्या नाम है इनका, नितिन राकेश और जेरी विंड, ये याद रखिएगा नितिन राकेश और जेरी विंड को दिया गया, दो लोगों को दिया गया है, किस किताब के लिए दिया गया है, तो किताब का नाम बाबू याद रखना आप सभी, किताब का नाम क्या है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस, क्या है दिख रहा है, एक बार मैं बोल दे रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम ऑफ क्राइसिस, देखो यहां पर भी लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस, इस किताब के लिए नितिन राकेश और जेरी विंड को इंटरनेशनल बिजनेस बुक्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, और यह किताब किस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया, छापा किस के द्वारा गया, नोशन प्रेस के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक स्पाइडर की प्रजाति है जिसका खोज किया गया है छत्तीसगढ़ में, कहां पर, छत्तीसगढ़ में, स्पाइडर क्रिकेट की नई प्रजाति इंडिमस जयंती की खोज किस राज्य में की गई है, छत्तीसगढ़ में किया गया है, छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर है, भूपेश बघेल यहां के मुख्यमंत्री है, अनसुईया उनके यहां की राज्यपाल है, प्रशांत कुमार मिश्रा यहां के मुख्य न्यायाधीश है, याद रखिएगा 11 लोकसभा 5 राज्यसभा सीट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ओईसीडी यानी द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इस संस्था के द्वारा भारत का विकास दर का अनुमान कितना लगाया गया है, तो 9.9%, एकदम कंटस्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको ना तंबाकू नियंत्रण के लिए विशेष मान्यता से सम्मानित किया गया है। अच्छा तंबाकू दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड टैबाको डे, तो ये मनाया जाता है 31 मई को, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कल ही, ठीक है, और इसके नियंत्रण के लिए इसको अच्छा से कंट्रोल किया गया है, बोला गया है WHO के द्वारा, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है WHO के द्वारा, विश्व संगठन के द्वारा, तो WHO होगा, WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 7 अप्रैल 1948 को स्थापित गठन हुआ था, टेड्रोस एधोनोम यही है वो मनहूस आदमी जिनका चेहरा देख के ही मतलब लगता है कुछ बुरा खबर ही सुनाने वाले हैं, और इसके अंतर्गत WHO के अंतर्गत 194 एगो मेंबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, किस देश ने कार्गो अंतरिक्ष यान या तियानझो 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो चाइना के द्वारा किया गया है, इसके द्वारा चीन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व साइकिल दिवस हम लोग प्रति वर्ष 3 जून को मनाते हैं, कब मना जाए, अगर पूछे वर्ल्ड बाइसाइकिल डे हम लोग कब मनाते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, 3 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, देखो अभी आपको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद से हट चुके हैं, पता है कि नहीं पता है, तो अभी इसराइल का नया प्रधानमंत्री कौन है, नफ्ताली बेनेट, एकदम बाबू याद रखना, ये नया प्रधानमंत्री बना है इसराइल का, इसराइली शकील यहां का मुद्रा है, और राजधानी यहां क्या है, जेरूसलम, कहां का, इसराइल का। एक बात याद रखिएगा, इसराइल का नया राष्ट्रपति भी बना है रेवू रेवलिन के बाद, अभी इसराइल का नया राष्ट्रपति कौन है आपका, इसहाक हर्ज़ोग, ये नए राष्ट्रपति बने हैं इसराइल के। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वाइस चीफ, अच्छा वाइस चीफ बोला है, उपाध्यक्ष बोला है, तो भैया हेड कौन है, तो भैया हेड तो सभी को पता है,
राकेश कुमार भदौरिया, ठीक है, तो इसको बनाया गया है आपका विवेक चौधरी को, ऑप्शन नंबर डी। और मैंने आपको बताया ही था इंडियन एयरफोर्स डे, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं आपका, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, इस बैंक ने एके विनोद नाम के आदमी को, एके विनोद नाम के आदमी को मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अच्छा, किस बैंक ने किया है भैया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। अच्छा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एके विनोद नाम के आदमी को ना अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन कौन है अध्यक्ष, तो राजकिरण राय जी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। टैगलाइन क्या है इस बैंक का, गुड पीपुल टू बैंक विथ। और गठन स्थापित कब हुआ था यह बैंक, तो 11 नवंबर 1919 को, कब हुआ था, 11 नवंबर 1919 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। और इसी बैंक का यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है, तो आपका क्या नाम है, राजकिरण राय जी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, किस देश का ये आदमी है, इस आदमी का नाम क्या है, डॉक्टर पैट्रिक एमोथ, ये किस देश का आदमी है डॉक्टर पैट्रिक एमोथ, जिसको WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो इंसान दिख रहा है ना, जिसका नाम डॉक्टर पैट्रिक एमोथ है, जिनको WHO का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, वो केनिया का रहने वाला है और केनिया का राजधानी नैरोबी है। यहां पर मुद्रा केनियन शिलिंग इस्तेमाल करते हैं और उहुरू केनियाटा यहां के राष्ट्रपति का नाम है, ठीक है। अगर मैं बोलूं WHO गठन कब हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले बताएं, 1948 को भैया। WHO के अंतर्गत कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर है, तो 194। WHO का हेड कौन है भैया, टेड्रस एधोनोम। WHO का हेड क्वार्टर कहां पर है भैया, जेनेवा स्विट्जरलैंड। एकदम दिल लगा कर पढ़ो आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस भारतीय मूल की लड़की को, भारतीय मूल की कौन सी महिला है जिसको एप्पल WWDC 2021 स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज प्रतियोगिता जीता है, तो इनका नाम है अभिनया दिनेश, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला, सरकार ने बोला है ना पेट्रोल का दाम बड़ा बढ़ रहा है, हमारा खजाना खाली हो रहा है, तो भरे कैसे, तो आम आदमी पर बोझ डालते हैं, पेट्रोल को इतना बढ़ा देते हैं ना। तो एक आदमी बोला सरकार का, सर हम तो पेट्रोल बहुत सस्ता किन रहे विदेश से। अरे सस्ता किन रहे तो क्या हुआ, महंगा बेचो उसको, अभी इसी को तो बोलते हैं बिजनेस, तभी तो पैसा खर्चा होगा और रेली ये पैसा खर्चा कर पाएंगे, तो सर इससे आम आदमी मर जाएगा। तो क्या हुआ, हम लोग एक बार जाकर बोल देंगे भारत माता की जय, पब्लिक खुश, पब्लिक बोलेगी बहुत अच्छे हैं। अच्छा ऐसा है क्या, मजाक कर रहे, सीरियस मत लीजिएगा। देखो सरकार ने बोला है, सरकार पहले बोली थी ना 2025 तक पेट्रोल में 20% ना एथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा, ताकि देखो अब जो क्रूड ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है वो तो विदेश से आता है, अब एथेनॉल भारत में आराम से मिल जाएगा, अगर 20% वो मिला दे तो क्या होगा, खर्चा कम पड़ेगा, लागत कम पड़ेगा, तो पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। तो सरकार बोली है ना कि जो एथेनॉल का प्रयोग है वो 20% तक किया जाएगा, पहले बोला गया था 2025 तक, लेकिन सरकार महंगाई को देखते हुए बोली ना 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 ना, अब 2025 से 2023 तक ही इस्तेमाल किया जाएगा 20%। यानी आंसर क्या हुआ, पहले 2025 टारगेट था, आपके टारगेट है 2023 तक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है ना, इस शहर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया जाएगा, तो रायपुर में। अगर एग्जाम में बोले भाई इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का स्थापना किस राज्य में किया जाएगा, तो बोलिएगा छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर में, और वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अनसुईया उके यहाँ की राज्यपाल, प्रशांत कुमार मिश्रा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है, 11 लोकसभा 5 राज्यसभा सीट है। अगला क्वेश्चन, असम राइफल के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल DG
असम राइफल फॉर्म निकला है जीडी का, भैया जीडी में ना पीस के रख दिया है, कब से फॉर्म निकलेगा निकलेगा कुछ पते नहीं चल रहा है। क्या बोले क्या बोले, वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी। असम राइफल के महानिदेशक के रूप में कितने शपथ ली है, तो प्रदीप चंद्र नायर ऑप्शन नंबर आपका सी में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को हरित पुरस्कार मिला। हरित पुरस्कार क्या होता है भैया, ग्रीन अवार्ड, जो ना अपने हवाई अड्डे को पर्यावरण के अनुकूल ढाला है, पूरा पेड़ पौधे का ख्याल रखा गया है, ठीक है, एनवायरमेंट का ख्याल रखा गया है, इन सबको नजर में देखते हुए ग्रीन अवार्ड दिया गया है एक हवाई अड्डे को, वो कहां का है, हैदराबाद वाला, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 29, यहां पर बोला है बिहार के मुख्यमंत्री, मजाक समझ रहे हैं, नीतीश कुमार सीट नहीं भी रहेगा फिर भी मुख्यमंत्री बने, क्या बात कर रहे हैं भैया, अरे भाई बहुत टैलेंटेड आदमी है, अगर इनके पास दो सीट भी रहेगा ना मुख्यमंत्री यही बनेंगे। और चुनाव से पहले बोले थे 19 लाख जॉब देंगे, और अभी दो दिन पहले से हम वीडियो देख रहे हैं, कुत्ता के तरह दौड़ा दौड़ा कर टीचर को सबको मारा जा रहा है। यार ये लोग ये नहीं समझते कि हम ये मुख्यमंत्री, ये आप नौकर हैं हम लोगों के, हम लोग आपको बनाए, आपके वजह से हम लोग नहीं है, आपके वजह से बिहार नहीं है, हम लोग आपको भेजे। और देखो कुर्सी बैठने के बाद कुर्सी कुमार सब कुछ भूल गए, लेकिन अभी एक चीज बोले है ना, अगर बिहार में जो लड़कियां है अगर वो इंजीनियरिंग करेगी और मेडिकल कॉलेज की लड़कियों को ना 33% का आरक्षण दिया जाएगा, यही बस आरक्षण के नाम पर बस बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, क्या बोला जाएगा। राजधानी पटना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, फागू चौहान राज्यपाल है, संजय करोल मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा सीट 16, राज्यसभा सीट यहां पर उल्टा है यार, लोकसभा सीट यहां पर 40 होगा और राज्यसभा सीट कितना होगा यहां पर 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, यहां पर क्या बोला है, यहां पर विशेश्वर आहूजा को 3 साल की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक का MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विशेश्वर आहूजा को ना मालिक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक और CEO बना दिया गया है RBL बैंक का, किसका, RBL बैंक का, RBL बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। टैगलाइन क्या है इस बैंक का, अपनों का बैंक। अगस्त 1943 में इस बैंक को स्थापित किया गया था, किस बैंक को, RBL बैंक को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, अभी देश में ना अलग अलग प्रजाति वेरिएंट मिल रहा है कोरोना वायरस का, इतना डरा दिया ना, क्या बोले। अब देखो बोले WHO साला देखते लगता है मनहूस है, एकदम कुछ बुरे खबर सुनाता है। WHO ने बोला है भारत में सबसे पहले ना दो वेरिएंट पाया गया है, दो वेरिएंट COVID-19 का, अब इसको भी संभालना पड़ेगा। कौन कौन सा वेरिएंट है आपका, तो कापा एंड डेल्टा, ये दो वेरिएंट पाया गया है। अब देखो अगला क्वेश्चन भी वही है, इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में एक और वेरिएंट पाया गया है, वो कौन सा है भैया, अल्फा। अब यही सब अल्फा बीटा गामा अब यही सब पढ़ना पड़ रहा है, गामा अभी तक नहीं आया, वो भी आ जाएगा, अल्फा मिल गया UK में और भारत में देखो डेल्टा मिल गया, अभी सब मिलेगा आपको देखो आस्ते आस्ते। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मैरी कॉम ने ना सिल्वर पदक जीता है, इसमें मैरी कॉम ने 21 का ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो सिल्वर पदक जीता है। तो विजेता कौन रही थी भैया, तो विजेता रही थी आपका ये। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में अगर आपसे पूछ देना कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेड किसे बनाया गया है, तो ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं अरुण कुमार मिश्रा जी को। और एक बात याद रख, एग्जाम में काफी बार पूछा है ह्यूमन राइट डे कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कैबिनेट ने यानी सेंट्रल ने यानी केंद्र सरकार ने खनिज संसाधन क्षेत्र में सहयोग के लिए ना भारत और किस देश के बीच में एक गठजोड़ एक डील साइन हुआ है, तो भारत और अर्जेंटीना के बीच में। अर्जेंटीना का राजधानी क्या है, बिनोस एरिस,
पेसो मुद्रा इस्तेमाल करते हैं और अल्बर्टो फर्नांडिस यहां के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और शाम को 7 बजे ही आपका दूसरा करेंट अफेयर का क्लास भी आएगा, पूरा पढ़ो, दिल से पढ़ो आप सभी। अगला क्वेश्चन, नासा ने 2028 और 2030 के बीच में, इसी साल के बीच में ना, इस ग्रह पर 2 नए मिशन शुरू करने की योजना बना रही है, तो शुक्र के ऊपर, वेनस के ऊपर। नासा का हेड कौन है? स्टीव जर्जिक। गठन 1 अक्टूबर 1958 का किया गया था नासा का स्थापना। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी आरबीआई ने यह बोला है ना, 21 और 22 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया गया है? तो 9.5%। आरबीआई का हेड कौन है? शक्तिकांत दास, याद है ना, एकदम ये सब चीज भूलने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ऐसा ही कोई आदमी होगा जिसको इसका आंसर पता नहीं होगा, 5 जून को मनाते हैं प्रतिवर्ष वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। लेकिन आपको मेन क्या पढ़ना है बाबू, एकदम फंसेगा एग्जाम में, थीम विषय क्या है 2021 का वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का, विश्व पर्यावरण दिवस का। तो याद रखिएगा विषय क्या है इस बार का, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। एकदम याद रखिएगा विषय एकदम याद रखना, मैं पीडीएफ में डाल दूंगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार दिया गया है? तो टीवी नरेंद्रन को। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पूजा रानी ये बहादुर लड़की, इन्होंने क्या किया है? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 जो कहां पर हो रहा था, जो दुबई में हो रहा था, उसमें इन्होंने 16 स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, ये कहां पर हो रहा था यही आपसे पूछा है, दुबई बता ही चुका हूं, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दुबई अमेरिका, दुबई यूनाइटेड अरब इमारात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, चिली गणराज में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और एक देश में भारत का एक राजदूत जरूर होता है, तो चिली गणराज में भारत का राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका किया गया है सुब्रता भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर हमारा डी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अंडमान और निकोबार कमान के 16वें कमांडर इन चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट्सएप इंडिया के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? परवेश वी लाल को। व्हाट्सएप का सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। आपको पता है ना, फेसबुक ही जो है व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया था, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस कंपनी ने पहली बार एशियाई प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। इसने माइक्रोसॉफ्ट ने, आपको पता होगा आजकल ऑनलाइन इतना धोखाधड़ी हो रहा है, पासवर्ड चोरी हो जा रहा है, जैसे मेरा हुआ था। इन सब पर कड़ी निगरानी रखा जा सके, ये सब थ्रेट ना हो पाए, इसके लिए ना जो माइक्रोसॉफ्ट है एशिया प्रशांत में साइबर सुरक्षा परिषद का जो है वो शुरुआत कर रहा है। तो ये था हमारा 1 से 5 जून तक का करेंट अफेयर, इसका सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, कैसे करना बता रहे हैं। और 7 बजे शाम को ही आज आपका क्लास भी आएगा, ठीक है, 6 से 10 जून का सारा पीडीएफ आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात, क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि कोई क्लास नोटिफिकेशन आपका ना छूटे। और इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर ना लिंक शेयर कर दिया जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, लिखा होगा बड़ा कर डाउनलोड पीडीएफ, उसके नीचे पीडीएफ का लिंक होगा ब्लू कलर, क्लिक करेंगे ना, जैसे टिपेंगे डाउनलोड आपके फोन में हो जाएगा। क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक कर दीजिएगा आप सभी।